अभिषेक के दोस्त जो मुझे पता नहीं क्या सोच रहे थे इतने टाइम से। सुन रहा क्या जिया ने रोस्ट कर दिया थगेश को? इस चीज पे थगेश का क्या रिप्लाई आया वो भी मैं आपको बताऊंगा। पूजा भट्ट क्यों गुस्सा हुई थगेश के ऊपर आप बस एंड तक देखना। यार आप में से 99% लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किए यार प्लीज सब्सक्राइब कर दो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने का प्लीज टाइटल सब्सक्राइब। आप मुझे ये बताओ आईफोन लेने के लिए आप क्या कर सकते हो? मेहनत करके पैसे बचाकर आप एक आईफोन ले सकते हो या ज्यादा से ज्यादा आप अपनी किडनी बेच सकते हो। लेकिन एक कपल ने दिमाग हिलाने वाला कांड कर दिया। इसे सुनकर आप यही बोलोगे शर्म करो भगवान से डरो भोसड़ी वालों भगवान से डरो। एक कपल की इतनी गंदी सोच एक 8 साल की बच्ची की कीमत कितनी हो सकती है? एक आईफोन की जितनी बस एक आईफोन लेने के लिए उन्होंने अपनी बच्ची को बेच दिया। वेस्ट बंगाल में रहने वाले एक कपल ने सिर्फ एक आईफोन के लिए अपने बच्चे को भेज दिया और आईफोन लेके करना क्या था एक इन्फ्लुएंसर बना था उनको। उनको आईफोन लेकर रील्स बनानी थी। बेशक ये इंडिया में सिर्फ एक ही कपल ने ऐसा किया है। ये फिल्म शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई थी और इस कपल का एंड किया उनकी पड़ोसी ने। इनकी पड़ोसी ने हाथ में बच्चे के बदल आईफोन देखकर इनको थोड़ा सा शक हुआ। पड़ोसी ने जाकर पुलिस में कंप्लेंट करा दी एंड पुलिस वालों ने जो भी बच्चे को खरीदा था उसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर चार्ज करा दिया। FIR रजिस्टर करके कोर्ट में क्या सुनवाई होगी और कौन सी सजा इनको मिलेगी ये तो वक्त ही बताएगा। बच्चे को बेचने का पहला ही केस हो इंडिया में। लेकिन ऐसा ही किस्सा चाइना के एक कपल ने किया था एंड वो अपनी बच्ची को सिर्फ 18 दिन की बच्ची को बेच दिया। अब बात करते हैं क्यों जिया ने थगेश को पोक किया था। बिग बॉस के रिसेंट एपिसोड में बिग बॉस ने एक टास्क दिया था जो कि टिकट टू फिनाले था। इस टास्क में जिया ने फुकरा इंसान को थोड़ी सी हेल्प कर दी थी जिससे फुकरा इंसान ये टास्क को जीत जाते हैं एंड वो इस सीजन के पहले कंटेस्टेंट हैं जो फाइनल में जा रहे हैं। तभी जिया ने थगेश को मेंशन कर दिया कुछ ये बोला उनके बारे में। अभिषेक के दोस्त जो मुझे पता नहीं क्या सोच रहे थे इतने टाइम से। सुन रहे हो ना तुम सब? सुन रहे हाँ उस लड़की के तो कारों तले दब चुका हूँ मैं। हाँ वही सोच रहे थे। सुन रहे हो ना बाबा सारे अभिषेक के दोस्त जो मुझे पता नहीं क्या सोच रहे थे इतने टाइम से। सुन रहे हो ना तुम सब? सुन रहे हैं सुन रहे और ये सुन के थगेश का रिप्लाई ये आया। जिया ने फिर से थगेश का नाम लिया जो कि ये है बहुत पाप कर रहा है यार। तो इसलिए पूछ रही है इसलिए क्या बोला था मुझे जिया क्या आगे जिया कुत्ती ही बोला क्या वो बोलता बेटर होता जिया बहन एंड उसके ऊपर भी थगेश ने ये रिप्लाई दिया। जिया फ्रेम वालों के साथ ही घूम रही थी हैंग आउट कर रही थी एंड कुछ लोग बोल रहे हैं कि जिया सिर्फ अपने वोट्स बढ़ाने के लिए इनके साथ घूम रही है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में बताना। तब तक के लिए यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन जस्ट डू इट।